हे गाइस, होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जा रहा हूँ श्रीकाकुलम। एक गृह प्रवेश का फंक्शन है जो कि मेरे को अटेंड करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी आपको साथ ले चलूँ। जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि पूरी रात ऑलमोस्ट जो है बरसात हुई हो रखी है यहाँ पे, और इसलिए धूप वगैरह भी कम रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जर्नी जो है इंटरेस्टिंग होगी, तो चलिए मेरे साथ श्रीकाकुलम मिलते हैं। रास्ते में, हाँ रास्ते में जाते हुए जहाँ भी मेरे को लगे कि हाँ ये अच्छी चीज़ें आपको दिखानी चाहिए, मैं वो आपको दिखाता रहूँगा। बाकी जहाँ तक हाउस वार्मिंग की बात है, मेरे को पता नहीं कि वो नो दे विल बी कम्फर्टेबल कि मैं वहाँ पर शूट करूँ, सो मैं वो चीज़ जो अभी कह नहीं सकता। हो सके तो मैं वहाँ पर शूट करूँगा, नहीं तो नहीं। पर मैं आपको ये पक्का कह सकता हूँ कि ये जर्नी जो है बड़ी रोचक होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ। गाइस, बाकी ये मैं आपको बताना भूल गया, ये जर्नी जो है मैं बाइक पे तय करूँगा। वेन्यू जो है करीबन विशाखापट्टनम से 130 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ेगा, प्लस माइनस 5-10 किलोमीटर। और क्योंकि वहाँ पे बस कन्वीनियंस ही जो है इतनी है नहीं, और मेरे पास कार है नहीं, तो इस वजह से मैंने अपने कोसन इन लॉ की बाइक ले रखी है, और उसी से जो है मैं ये सफ़र तय करने वाला हूँ। सो बने रहिएगा मेरे साथ, ये सफ़र बहुत ही रोचक होने वाला है। सो गाइस, इस सफ़र का पहला पड़ाव एटीएम। सो एटीएम से मैंने कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं और अभी मैं यहाँ से चल पड़ा। दोस्तों, ये कोई पड़ाव नहीं है, पर ये मेरे रास्ते में एक जगह है जहाँ मैं आपको पहले ही एक बार मिलवा चुका हूँ। अगर आपको याद हो, एक मेरा व्लॉग था फैमिली एंड अ डे आउट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स पार्ट वन, उसमें जब मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था, तो रास्ते में सीमाचलम नाम की एक जगह से मैंने आपको जो है रूबरू करवाया था। ये वही जगह है, उस पहाड़ पे देखिए क्लाउड्स का जो लुक एट हाउ नो डेंसली इट इज़ फॉर्म्ड ओवर देयर। काफ़ी गहरा क्लाउड्स का वो सेटअप वहाँ पर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को लग रहा है ऐसी जगह जो है मैं काफ़ी देखने को मिलेंगी अपने सफ़र के दौरान। चलिए अपनी जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं। ये हिमाचल में कोई इन्फॉर्मेशन एक बार मैं आपको दोबारा बता दूँ, और अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, सिमाचलम से एकदम सीधा निकल के, एकदम सीधा से करीबन 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आप उस रोड पे कनेक्ट होते हैं जो पेंदुर्ती से आपको आनंदपुरम ले जाती है। तो मैं वहाँ उस रोड पे मैं पहुँच के वहाँ से मैंने राइट टर्न लिया और इस जगह रुका हूँ, और अभी भी मैं अपनी गाड़ी में जो है थोड़ा सा पेट्रोल डलवाया है। और एक और रीज़न था यहाँ रुकने का, वो ये कि शायद आप पीछे देख सकते हैं माउंटेंस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और मैं इस तरफ अपना कैमरा घुमा रहा हूँ, इस तरफ भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि आज इतनी धूप है नहीं, तो सफ़र भी काफ़ी सुहाना सा ही लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी जैसे जैसे हम आगे पहुँचते जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, वैसे वैसे मैं आपको और भी चीज़ों से जो है और भी जगहों से जो है परिचित कराऊँगा। हाँ, ये जो रोड जो है, जो कि अब शायद ऑपोजिट साइड में देख रहे होंगे, मैं उस रोड पे जाऊंगा और वहाँ से मैं एक जगह जाऊंगा जिसका नाम है आनंदपुरम। आनंदपुरम फ्लावर्स के लिए बहुत फेमस है, कहा जाता है कि वहाँ पे फ्लावर्स जो बहुत ही सस्ते दामों पे मिले जाते हैं। तो पता नहीं मैं जिस टाइम पे पहुँचूँगा उस टाइम पे वहाँ पे मार्केट होगी कि नहीं, जो अगर वहाँ पे हो तो मैं आपको जो है वहाँ पे उस मार्केट से भी परिचित करवाऊँगा। सो बने रहिए मेरे साथ, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं आनंदपुरम जंक्शन, जिसके बारे में आपको बता रहा था कि यहाँ पे फ्लावर्स जो हैं काफ़ी सस्ते दामों पे मिलते हैं। वैसे मेरे को यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ है जहाँ पे फ्लावर्स वगैरह, और मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये वाइजैग सिटी में ख़रीदें वहाँ से एटलीस्ट आपको हाफ प्राइस में यहाँ पे। तो यही खूबी है जगह की आनंदपुरम, यहाँ से हमारा सफ़र और काफ़ी आगे है, तो बनिए रहेगा मेरे साथ।
दोस्तों, अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले जब मैं विजयनगरम गया था, उस टाइम पे मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसका नाम था स्टनिंग सनसेट। उस टाइम पे जब मैं विजयनगरम सुबह के टाइम पे जा रहा था अपने मामा के साथ, हम एक जगह रुके थे नाश्ता करने। वहाँ उस जगह की स्पेशलिटी है मसाला डोसा, जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी उस दिन। तो आज चूँकि मैं सेम जगह से आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है उस जगह पे मसाला डोसा दोबारा ट्राई करना चाहिए। इस होटल का नाम है पैराडाइज होटल, और यहाँ का जो मसाला डोसा है काफ़ी वाजिब है। जो अगर आप पेंदुर्ती से आनंदपुरम तगरपोलसा की तरफ आ रहे हों, तो ये आपके लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले आनंदपुरम क्रॉस किया है और अब जो हम तगरपोलसा की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम रुके हैं इस अगले पड़ाव पे जहाँ पे मैं नाश्ता करने वाला हूँ। सो याद रखिएगा, आप इस रास्ते पे आ रहे हैं तो पैराडाइज रेस्टोरेंट में आप खाना ज़रूर खा सकते हैं। चलिए, पर अनफॉर्चुनेटली मसाला डोसा यहाँ पे है नहीं, ख़त्म हो चुका है। मेरी किस्मत ख़राब है तो मैं और इडली और वड़ा से जो है काम चला रहा हूँ। बाकी रियर कैमरा से एक बार दोबारा मैं रेस्टोरेंट को आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। और दिखने में तो काफ़ी यम्मी लग रहा है। बाकी मैं रिव्यूज आपको थोड़ी देर में दे ही दूँगा इसके बारे में। सो गाइस, दी इडली एंड वड़ा हैज़ बीन इक्वली गुड। ये दोनों काफ़ी लाजवाब थी, जैसे कि हमने मसाला डोसा समय पहले यहाँ पे खाया था, ये बहुत ही अच्छी थी। दो इडली और दो वड़ा के लिए जो है मैंने 50 रुपये पे किए। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन ठीक है, स्टिल ओके। मैं चाय की चुस्की ले रहा हूँ और इसके बाद हम सफ़र को आगे बढ़ाएंगे श्रीकाकुलम की तरफ। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो। ओके दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा वहाँ पे श्रीकाकुलम का डिस्टेंस जो है करीबन 31 किलोमीटर बता रहा था, जो कि ये मेन सिटी का डिस्टेंस है जहाँ पे अभी मैं हूँ, यहाँ से मेन सिटी। उस मेन सिटी से मुझे जिस जगह जानी है हाउस वार्मिंग सेरेमनी में, वो करीबन और 20-25 किलोमीटर रहेगा। तो वैसे रहा नहीं गया, एक पुल है जहाँ पे मैं रुका हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हरियाली काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही थी, सो मुझे लगा कि आपको भी दिखाना चाहिए। एकदम मस्त लग रहा है। ये हाईवे है, ये रास्ता अगर आप करीबन 700-800 किलोमीटर जाएं तो कोलकाता आ जाएगा। ऑब्वियसली रास्ते में उड़ीसा वगैरह भी पड़ेगा। ये हाईवे है और अभी जब मैं ये शूट करने लगा हूँ तो धूप निकली है, अदरवाइज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ही कम धूप थी, अब थोड़ी सी धूप खिली है। बाकी ओवरऑल मैं बताऊँ तो बारिश के होने की वजह से थोड़ी सी ठंडक है, थोड़ी सी राहत है, वरना मेरी जो जर्नी अगर नॉर्मल टाइम पे मैं कर रहा होता तो शायद कुछ और तरीके ही होती। मतलब हवा चल रही है, अच्छी है, मेरे को इतनी गर्मी लग नहीं रही है, सो इट इज़ फाइन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं श्रीकाकुलम मेन बस स्टेशन पे, लिखा हुआ है बस स्टेशन श्रीकाकुलम। मेरे को यहाँ से वेन्यू की तरफ जाना है। मेरे को मेरा ये भाभी ने मैप्स गूगल में मैप भेज रखा है, मैं उसके हिसाब से चला जाऊँगा। और मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे मेरे को वीडियो शूट करने का कोई मौका मिलेगा, तो इस वजह से जो है मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सफ़र जो 100 से 120 किलोमीटर का, जो कि मैंने 10 मिनट में समेटने की कोशिश की है, पसंद आएगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। तो ऑन दैट नोट, शुक्रिया, आप सब अपना ख्याल रखें। चलिए फिर अगले ब्लॉग में चलिए, बाय।